नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस कोविड टाइम में बहुत ही सुरक्षित भी होंगे। आज हम बनाने वाले हैं एक बायो एंजाइम जो क्लीनिंग पर्पस से और आपके गार्डनिंग पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप इसे अपने गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके गार्डन में एक तरीके से एक अच्छा डिकम्पोज़र को बहुत ही जल्दी इंटेंसीफाई करता है, ये इंक्रीज करता है, और क्लीनिंग में ये वायरस और बैक्टीरियाज़ को भी मारता है। आप इसे अपने घर में पोछा लगाते समय या फिर वाइप आउट करते समय किसी भी चीज़ को हटाते वक्त इसे आप यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी है बनाने में। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं इसे बनाना। तो हम आप जैसा देख रहे हैं कि हमने लिया है एक ढेर सारे गेंदों का फूल, तो आप भी गेंदों का फूल ले लीजिए। और गेंदों आपको सभी चीज़ें 1:3:8 के रेशियो में लेनी है। तो तीन भाग आपका गेंदे का फूल रहेगा, एक भाग आपका गुड़ रहेगा और एक भाग पानी का रहेगा। और हमें चाहिए एक बॉटल, जिस बॉटल में आप अपना ये एंजाइम बनाएंगे। आप कोई भी पुराना बॉटल ले सकते हैं। और फिर आप एक ढक्कन लेंगे, उस ढक्कन में थोड़े से होल कर देंगे जो कि इसमें जो गैस बनेगी वो उससे पास आउट हो सकेगी। और सबसे पहला हमें वर्क करना है, गुड़ को तोड़ लेना है। फिर उसके बाद हमें इन गेंदों के फूलों को भी अलग अलग निकाल लेना है, और उनके जो डंठल हैं उन्हें बिल्कुल हटा देने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इन सभी जो उसके पेटल्स थे उसे निकाल लिए हैं, उनके डंठल को बिल्कुल अलग कर दिया है। तो अब आप ये देखिए, ये गुड़ है। तो सबसे पहले आप इन गेंदे के फूलों को अपने बॉटल में ऐडअप करेंगे और सारे फूलों को आप डाल देंगे। इनका रेशियो होगा, इनको तीन भाग में लेना है हमें। तो हमने जो भी मेज़रिंग थी आप अपने हिसाब से कर लीजिए, और एक अप्रॉक्स के तरीके से आप तीन भाग ले लेंगे। फिर एक भाग अप्रॉक्स में आप गुड़ ले लेंगे और उसे भी इस बॉटल में ऐड कर देंगे, और इसे थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, फिर इसको ऐड कर दीजिए। इसके बाद अब आपकी बारी है कि अब आपको इसमें वाटर ऐड करना है। इन दोनों को हम लोग ने ऐड कर लिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर जो कि 8 भाग होगा। इन तो आप अप्रॉक्सीमेटली 8 भाग जितना भी मटेरियल लिया है उनसे एक गुड़ से 8 गुना ज़्यादा आप इसमें पानी ले लेंगे और इस बॉटल में ऐडअप कर देंगे। जिस भी बॉटल में आप इसे बना रहे हैं तो ये मिक्सचर जो होगा इसी रेशियो में आप बनाइएगा। तो 1 भाग आपका गुड़ रहेगा, 3 भाग आपका कोई भी मटेरियल जिससे आप एंजाइम बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने लिया है गेंदा का फूल, और 8 भाग रहेगा पानी। अब बारी आती है, हम लोग ने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसमें थोड़ी सी जगह हम लोग ऊपर छोड़ देंगे ताकि इसकी जो गैस बनेगी वो इसमें थोड़ा बहुत स्टोर हो सकेगी, और वो बाहर भी निकलने में उसे ईजी रहे, जब हम शेक करें तो भी हमें ईजी रहे। तो थोड़ा सा पार्ट हम लोग ने ऊपर का छोड़ दिया है, बॉटल में पूरा पानी नहीं भरा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जो मिक्सचर है वो पूरा रेडी हो चुका है, और अब हम इसको कवर करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग ने इसे कवर करने के बाद बॉटल को अच्छे से शेक भी कर दें, और ताकि उसके जो सारे मिक्सचर हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएं, और बीच बीच में भी वीकली भी आपको इसे थोड़ा बहुत शेक कर देना है, और फिर इसे किसी शेड में इसे रख देना है, बहुत ज़्यादा सनलाइट ना आती हो वहाँ। तो ये बहुत ही अच्छा एंजाइम बन करके आपका तैयार होगा। इसे आप अपने प्लांट्स पर भी स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है इस एंजाइम की, और ये एक तरीके का होममेड परफ्यूम की तरह भी काम करता है, रूम परफ्यूम की तरह भी काम करता है। आपका प्लांट में डालिए, इसको सॉइल में भी डालिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। ये देखिए, एक मैंने दूसरा बायोएंजाइम बनाया था जो संतरे के छिलकों से बनाया था। तो आप भी ऐसे कई चीज़ों से बायोएंजाइम बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं आप अपने घरों में। आप गार्लिक और चिली से भी बना सकते हैं, लहसुन और मिर्च से भी,
तो वो आपका इंसेक्टिसाइड की तरह वर्क करता है, और ये जो दोनों हैं ये परफ्यूम की तरह, और सॉइल में डालेंगे तो ये डिकम्पोजर्स को इंटेंसीफाई करेंगे और प्लांट के आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये दोनों इसमें वर्क करते हैं, और चिली और गार्लिक का जो बायोएंजाइम होता है वो आपके इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करता है, आप अपने प्लांट्स पर उसको स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो वीडियो होगा वो इसके जब ये बन जाएगा, इसे बनने में करीब 2 महीने लगते हैं, 2 महीने से या फिर 3 महीने भी लग सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको इतना ही टाइम लगेगा, और सेकेंड टाइम जब आप बना रहे हो तो इसमें से 1 स्पून निकाल करके इसका जो लिक्विड रहेगा उसे आप अपने जो दूसरा बॉटल है उसमें ऐड कर दीजिए जो फ्रेश बना रहे हो। तो ये आपका 1 मंथ में ही बहुत जल्दी ही बन करके तैयार हो जाएगा। तो ऐसा ही आप कर सकते हैं ताकि आपका वर्क जल्दी हो जाए। और जो सेकंड वीडियो होगा वो इस पर हम बनाएंगे कि कैसे हम इसे अपने प्लांट्स पर और क्लीनिंग पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ बना रहे हैं तो उसका यूज़ भी, उसका पर्पज़ भी देखेंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, तो आप ज़रूर इसे अपने घर पर बनाइए। ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनता है, 0 इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो इसे आप अपने घर पर आशा करते हैं ज़रूर बनाएंगे, और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर।